मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन के राजाधिराज भगवान महाकाल प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा महाकाल शिव तांडव के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर सवार मन महेश के रूप में भी महाकाल सवारी के साथ चले। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह बाबा महाकाल का फूल बरसा कर स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में सागर दौरे से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने छतरपुर में दलित के चेहरे और शरीर पर मल मले जाने की घटना पर सोमवार को ट्वीट किया। इसमें लिखा कि भाजपा का सबका साथ केवल विज्ञापनों में सिमटकर एक दिखावटी नारा और पीआर स्टंट बनकर रह गया है। भाजपा हर दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय के सपने को चूर चूर कर रही है। कटनी में लोकायुक्त ने एक पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो उसने कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत की रकम चबा कर निकल ली। इसके बाद लोकायुक्त ने पुलिस की मदद से आरोपित पटवारी को जिला अस्पताल ले जाकर उसके पेट से वापस नोट निकलवाने का प्रयास किया। इस दौरान उसके पेट से डॉक्टरों ने लुदगी बने नोट निकाले जिसे सुरक्षित किया गया है। पाकिस्तान की सीमा हैदर के चार बच्चों के साथ भारत आकर सचिन मीणा से शादी करने का मामला अभी चल ही रहा था कि अब भारत में अंजू के पाकिस्तान जाकर निकाह करने का मामला सामने आया है। अंजू के पति अरविंद के मुताबिक अंजू का मायका ग्वालियर में है और ग्वालियर से ही उसकी शादी अरविंद से हुई थी और वह भिवाड़ी उसके साथ आ गई थी। इंदौर में छोटी ग्वालटली थाना क्षेत्र के सरवटे बस स्टैंड पर रविवार रात 2 बजे MGM मेडिकल कॉलेज के छात्रों और नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।